90 के दौर में ममता कुलकर्णी अपने बोल्डनेस अंदाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुकी हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब ममता कुलकर्णी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री में शुमार हो गई और उन्होंने एक बड़ा स्टार्डम हासिल कर लिया, लेकिन वो इस स्टार्डम को आने वाले समय में बरकरार नहीं रख पाई। आने वाले समय में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिस गलती का खामियाजा उन्हें अपना करियर गंवाकर भुगतना पड़ा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ममता कुलकर्णी आज मौजूदा दौर में बिल्कुल गुमनाम सी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई है। आइए जानते हैं कि ममता कुलकर्णी जो 90s के दौर की एक जानी मानी अभिनेत्री बन गई थी, उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिस गलती के चलते उन्हें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ममता कुलकर्णी जब हिंदी सिनेमा में नजर आईं तो आते ही वो इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में कदम रखने वाली ममता कुलकर्णी ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपने पांव जमा लिए थे। साल 1993 में ममता कुलकर्णी और सैफ अली खान की फिल्म आशिक आवारा आई थी, जिसके लिए उन्हें न्यू फेस पुरस्कार से भी नवाजा गया था। लेकिन ममता जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती थी, उतना ही वो कॉन्ट्रोवर्सी का भी शिकार रहती थी। इसमें उनका एक टॉपलेस फोटो शूट का भी किस्सा शामिल रहा है और बताया जाता है कि इसी टॉपलेस फोटो शूट के चलते वो आने वाले समय में इंडस्ट्री से गायब हो गई। पत्रिका.com के एक्सक्लूसिव खबर की माने तो हुआ कुछ यूं था कि स्टारडस्ट मैगजीन के कवर शूट के लिए एक खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश की जा रही थी। हालांकि इस शूट का प्रस्ताव सबसे पहले माधुरी दीक्षित से लेकर जूही चावला को दिया गया था, लेकिन इन दोनों अभिनेत्रियों के मना करने के बाद इस ऑफर को ममता कुलकर्णी ने एक्सेप्ट कर लिया। बताया जाता है कि मशहूर फोटोग्राफर जयेश सेठ ममता कुलकर्णी को अप्रोच किए थे, जिसके लिए ममता ने हामी भी भर दी और इस मैगजीन के लिए ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस फोटोशूट कराया था। जैसे ही लोगों ने ममता की टॉपलेस तस्वीरें देखी, वह इसे खरीदने के लिए टूट पड़े। उनके इस फोटोशूट ने इंडस्ट्री में तहलका सा मचा दिया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मात्र 20 रुपये की कीमत वाली स्टारडस्ट मैगजीन ब्लैक में 100 रुपये में बेची गई और ऐसा होता देख कई सारे लोग नाराज भी हो गए थे। अब भले ही इस टॉपलेस फोटोशूट के चलते ममता कुलकर्णी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ममता कुलकर्णी को इस फोटोशूट के लिए काफ़ी पैसा मिला था, साथ ही वह काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हो गई थी, लेकिन उनका यह फोटोशूट उन्हें काफ़ी भारी भी पड़ गया। टॉपलेस फोटोशूट के लिए ममता कुलकर्णी पर केस भी चला, साथ ही उन्हें 15,000 का जुर्माना तक भरना पड़ा। कोर्ट में पहुंचने के लिए ममता ने बुर्का का इस्तेमाल किया था। वह मीडिया से बचने के लिए बुर्का पहनकर कोर्ट पहुंची थी। बताया तो ये भी गया कि ममता के इस फोटोशूट से लोग इतना ज़्यादा नाराज हो गए थे कि उन्हें मारने तक की धमकी देने लगे थे, लेकिन मामला बहुत जल्द शांत भी हो गया। इस फोटोशूट के बाद ममता कुलकर्णी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और उनके पास फिल्मों की लंबी फहरिस्त थी। और ये वही समय था जब ममता कुलकर्णी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी और बताया जाता है कि इसी लाइमलाइट के कारण एक बार ममता कुलकर्णी का नाम डॉन छोटा राजन के साथ जुड़ा और बात तो तब हद हो गई कि उनका नाम ड्रग सप्लाई में भी आने लगा था, जिसमें उनका नाम विजय गोस्वामी से भी जुड़ा गया। बताया जाता है कि इस पूरे मामले के दौरान वह विजय संग दुबई और केनिया में रहती थी। इस पूरे विवाद के बाद ममता कुलकर्णी भक्ति की राह पर चल पड़ी और उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन नाम की किताब भी लिखी। फिलहाल मौजूदा दौर में वो इंडस्ट्री से बिल्कुल आउट है और मीडिया के कैमरों में बहुत ही कम कैद होती है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि 90s के दौर में ममता कुलकर्णी इंडस्ट्री में आई थी और आते ही उन्होंने बहुत ही कम समय में इतना बड़ा स्टार्डम हासिल कर लिया था, जिस स्टार्डम के चकाचौंध में उन्होंने एक गलत फैसला लिया। अपने टॉपलेस फोटोशूट के चलते वो एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई, लेकिन इसी के चलते वो इंडस्ट्री से आउट भी होगी। उनका करियर इस कदर बर्बाद होगा ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी।